बोलिए। अरे देखने का इतना मौका मिला नहीं है, मतलब एंट्री मारती आप लोगों ने घेर लिया मेरे को। हाँ मतलब कि एक कोई तो कर रहा है यार कि मतलब आर्ट गैलरी में मतलब यार पिक्चर्स रिकॉर्ड्स पोस्टर्स के एक ऑर्गेनाइजेशन है नेविल टुली ने इज पुट इट टुगेदर। आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक फैंटास्टिक इनिशिएटिव है। तो बिल्कुल खुशी मिलती है ना यार कि पुराने फिल्म के पोस्टर देख रहे हैं हम लोग, रिकॉर्ड देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं। एक हिस्टोरियन होने के मतलब फिल्म में मतलब स्कूल में मैंने तो हिस्ट्री पढ़ा था, एक हिस्टोरियन होने के नाते, एक फिल्म स्टूडेंट होने के नाते, एक फिल्म अच्छा लगता है ना जब सब फोटो देखते हैं पोस्टर देखते हैं, तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। रीमेक करना मुझे यार रीमेक नहीं करना, मैं किसी को रीमेक नहीं करूँगा। मतलब ये हमारी एक इतिहास की एक बहुत ही मतलब हीरे हैं समय में। शोले की रीमेक बन रही है, कौन बना रहा है? हाँ वो तो करेंगे ही ना, हमें क्या करेंगे, मतलब जो जो मुझे तो जो ओरिजिनल पिक्चर है वो तो सबसे अच्छी लगती है, तो आगे जाके आई डोंट थिंक एनीथिंग शुड बी रीमेड, ये सब ऐसे जैसे हैं अच्छे हैं। मेरा काम चल रहा है, वो तो चलते रहते हैं, पिक्चर रिलीज हुई है अब जाके और करेंगे हम।
यहाँ आते हैं तो नज़र आता है कि हमारी जो सिनेमा की जर्नी है भारतीय सिनेमा की वो कितनी रिच है, कितने लोगों ने उसमें अपना योगदान दिया है और हम क्यों अपनी इस रिच हिस्ट्री को सिनेमा की सेलिब्रेट नहीं कर पाते। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि इतने सारे मेमोरेबलिया इंडियन सिनेमा का यहाँ पे जो प्रस्तुत किया गया है बहुत खुशी की बात है। देख के बहुत ही अच्छी भावना होती है, इतने सारे महान फिल्म मेकर्स, इतने सारे महान कलाकार और इन सब की यादें ताज़ा हो जाती हैं। कहीं ना कहीं एक डायरेक्टर की और वर्क की डायरेक्टर को एप्रिसिएशन में मिलता है। बिल्कुल, ये फिल्मों की ये यादगार का कलेक्शन है। ये हाँ, ये परमानेंट म्यूजियम जैसा होना चाहिए इसका। इतने खूबसूरत इमेजेस हैं और पूरी यादें ताज़ा कर देते हैं।